चल जी, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और आपने भी ध्वजारोहण किया है, अपूर्व संध्या, पहले इस पर क्या बताएंगे? हमने पहली बार हमारी REW बनी है और ये 5 साल होने लगे हैं, अभी हमारे आज में चार्ज आया है और ये 75वां वर्ष जो मनाया जा रहा है, हम बहुत ही हमारी REW ने बड़ी खुशी से मनाया जा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी REW ऐसे ही चले और ऐसे ही स्वतंत्रता दिवस मनाए और मिलजुल के रहें। ये हमारी इस REW में सब भी लोग हैं, सरदार भी हैं, मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, जैनी भी हैं, सभी लोग जाति के हैं और हम ये चाहते हैं कि ये REW ऐसे ही चले और स्वतंत्रता दिवस ऐसे मनाए। बिट्टू जी, क्या जनता से अपील करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बोला था कि 13 से लेकर 15 तक अपने घर अपनी दुकान पर तिरंगा लगाएं। जी, उन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि हमारा आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है, घर घर तिरंगा होना अवश्य है। इससे प्रेम का संदेश जाता है हर घर में, हर व्यक्ति के अंदर प्रेम का संदेश जाता है इससे। और मैं यही कहना चाहूँगा कि इतनी सी बात हवाओं को बता के रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत की हमने, ऐसे तिरंगे को हमेशा दिल में बसाए रखना। आज धर्मपुरा REW ने जो आज़ादी के जो 75 वर्ष जो मनाया जा रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसके बारे में बताएं। मैं एक तो सबसे पहले REW के तमाम पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने इसमें मेरे को निमंत्रित किया और आज देश के 75वां आज़ादी दिवस के ऊपर इन्होंने जो प्रोग्राम किया वो काबिले तारीफ है। और ये टाइम टू टाइम ये मैं सुनते आता हूँ, ये इस मोहल्ले के वेलफेयर के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, लेडीज़ के लिए कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं। इनके दिल के अंदर एक देशभक्ति की तमन्ना है, ये बुजुर्गों से इन्होंने सीखा है कि हमें आज़ादी कैसे मिली, बड़ी जद्दोजहद, बहुत खून बहाने के बाद आज़ादी मिली। और मुझे इन नौजवानों के ऊपर पूरी उम्मीद है इस आज़ादी को बरकरार रखेंगे और ये कदम पे कदम बढ़ाते चलेंगे, देश इसी प्रकार हमारा तरक्की करता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। Thank you.